बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों के लिए, तमाम परदेशियों के लिए। मैं ये इसको एक ख़बर को अच्छी ख़बर समझता हूँ और आपको मैं बोलता हूँ कि फ़ायदा ज़रूर उठाएं इस चीज़ से। मैं मुख्तलिफ़ वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, अगर किसी भाई का 400-500 रियाल का फ़ायदा हो जाए तो इससे बड़ी बात नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे 400-500 रियाल भाई या तूने कौन सा हमको हाथ में पकड़ा देने, यानी कि नकद दे देने जो हमारा फ़ायदा हो गया। नहीं, बात करने का मकसद ये है कि एक चीज़ के ऊपर आप अगर 1000 रियाल लगा रहे हैं, तो मैं अगर वही चीज़ के ऊपर आपको बोलूँगा भाई इसको यानी कि इस तरीके से कर लें, आपका 300 रियाल लग जाएगा, 500 रियाल लग जाएगा, यानी कि 500-700 रियाल बच गया। अच्छा, मैं वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ और आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है, इसी बात से जो मैंने आपको दोहराई है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से एक बंदा वीज़ा ले रहा है सऊदीया का, वो भाई आपको पता है इस वक्त वर्क वीज़े की बात करें तो 5 लाख प्लस में लग रहे हैं। चलो 5 लाख ही लगा लें, चाहे वो बंदा उम्रे का वीज़ा ले, विजिट वीज़ा ले, वो सभी इसमें आते हैं। उम्रा भाई अगर 2 लाख का है, विजिट वो भी तकरीबन 1-2 लाख लग रहे हैं। यहाँ पर आके होटलिंग वगैरह वाला मामला जो भी है वो अलग से होगा। अच्छा, वर्क वीज़े की बात करें तो उसमें 5 लाख तो लग रहे हैं। एक बंदा पाकिस्तान से 5 लाख रुपए लगाता है यहाँ सऊदीया आने के लिए, और यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उस बंदे को अगर रोक लिया जाए इमिग्रेशन में जहाँ पर फिंगर होते हैं, तो उसको बोला जाए कि यहीं से आप वापस जाएं, तो भाई 5 लाख डूब गया। ऊपर से जो टिकट वगैरह करवाई हुई है या वो गाँव में जहाँ से भी आप आए हैं, बंदा दोस्तों के साथ आगे पीछे बात शेयर करता है, यार मैं जा रहा हूँ, मिल लेता है बंदा उनको, तो बाद में जब वापस जाता है तो वो सभी आपके मुंह के ऊपर नहीं, आपके कमर के पीछे तो ज़रूर बोलेंगे देख बाहर जा रहा था ये। तो बात करने का मकसद ये है कि 5 लाख का नुकसान, अगर वही काम मिसाल के तौर पर मैं आपको बोल दूँ या कोई भी आपका अजीज़ो अकारब है वो बोल दे कि भाई ऐसे कर लें ऐसे कर लें, आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार जो भी पाकिस्तानी रुपए हैं उसके हिसाब से आप अपना पूरा निज़ाम चेक कर लें, ओके या क्लियर, उसके बाद 5 लाख लगा लीजिएगा। तो बात करके मकसद ये है कि व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो भाई यहाँ सऊदी अरबिया से पाकिस्तान जा चुके हैं किसी भी मसले की सूरत में या यहाँ पर मौजूद हैं इलीगल और वो जाना चाहते हैं। बहरहाल आज न्यूज़ के मतलब चलते हैं जी, और इकामा एक्सपायर वाले, हरू वाले, बदून कफील वाले सभी आप तमाम दोस्तों के लिए है जी। और कल ही क्या आज ही रात एक भाई मुझे मैसेज इसी से रिलेटेड कर रहा था, मैंने उनको बोला था कि भाई जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ खबर शेयर कर दूंगा। मैं तो अगर पासपोर्ट वगैरह का कोई मसला है या नकल मालूमात का मसला है या कफील सैलरी नहीं दे रहा है, कफील इकामे तजदीद नहीं कर रहा है, कफील खरूज नहीं दे रहा है, कफील छुट्टी नहीं भेज रहा है, कंपनी कफील मुसस्सा, इन तमाम मसलों की सूरत में बेहतरीन सोल्यूशन है, बेहतरीन हल है, मैं आपको वाजह बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप तमाम दोस्तों को मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ, साथ में मैं पढ़कर सुना देता हूँ, मैं इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं कौन सा जनरल पाकिस्तान जद्दा, ठीक है, कौन सा टीम की मदीना अल मुनवरा में आमद, ठीक है, तारीख 16 जुमा अल मुबारक 8 नवंबर है और सुबह 8:30 बजे से 11:30 है और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक है। मुकाम होटल शिजा अल मुनवरा, इमारत नंबर 3210 है, और किसी भी टैक्सी वाले को आप बोलकर नीचे इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, टैक्सी वाले को ये लोकेशन बताइए वो आपको डायरेक्टली ले जाएगा यहां पर। अच्छा, यहां पर अभी जाके आपने मिसाल के तौर पर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, रूब है, इकामा एक्सपायर है, बदून कफील है, कफील तंग कर रहा है, या इन तमाम मसलों या इनके अलावा कोई भी और मसला है तो आप इनसे जाकर मिल सकते हैं, इनके पास बैठिएगा, इनको बताइएगा भाई मेरा ये मसला है, पाकिस्तानी है यार हमारे भाई है, पंजाबी उर्दू सभी जानते हैं, आप इनको बताइएगा हम मेरा भाई ये मसला है मैंने यार ये हल करवाना है, वो पता क्या करेगा, अगर तो उनके पास होता हुआ ये काम तो वो आपको कर देगा, अगर नहीं तो आपको मुझसे भी बेहतर मशवरा देगा, यकीन माने आपको मुझसे भी बेहतर मशवरा मिल जाएगा कि भाई ये काम आप अपना ऐसे कर लें। बाकी यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके काम है हरूफ बदून कफील या कोई भी किसी किस्म का और मसला है, कंपनी मुसस्से से भागे हुए हैं, तो वो व्हाट्सअप नंबर जैसे मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको तफसील मज़ीद इसके मतलब अगर आपने मुझसे पूछना तो वो आपको बता दूंगा मैं।